सब्सक्राइब करें रिएक्टिव ब्लॉग्स चैनल को और इस बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरिराम पासवान है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल रिएक्टिव ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से किसी भी लिंक को शॉर्ट करके आसानी से अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से Clify.net पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आप अपने मोबाइल से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल पर आ चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। ये रहा क्रोम, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है Clify.net। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर सर्च करने के बाद इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप किस तरह से यहाँ पर अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट में अकाउंट क्रिएट करना है, मैं आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर आप किस तरह से लिंक को शॉर्ट कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पर आपको बताया जा रहा है कि आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ समझाया गया है। अब आपको सिंपली 3 लाइन पे क्लिक करना होगा जो कि राइट साइड में है, साइन अप का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर क्लिक कर देना होगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर आपका यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड को फिलअप करना होगा। तो मैं यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर शो हो रहा है कि आपके ईमेल पर एक्टिवेशन कोड भेज दिया गया है। तो आप वहाँ पर जाइए और ईमेल पर आने के बाद यहाँ पर आपको स्पैम के फोल्डर में जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा स्पैम का फोल्डर। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं उसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये देखिए फर्स्ट में शो हो रहा है, मैं इस पर क्लिक किया और यहाँ पर कुछ लिंक मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो मैं इसे ओपन होने दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है और नीचे में यहाँ पर ये लिंक शो हो रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, मैं इस पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट देखिए यहाँ पर ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड में। और फ्रेंड्स, आपको सिंपली क्रोम में चले जाना है, वहाँ से आपको इसे ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर क्रोम में गया और ये देखिए अब यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर साइन इन करना होगा आपको। तो मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम दे देता हूँ, जो कि मैं अपना नाम दिया था। और इसके बाद यहाँ पर नीचे में आपको पासवर्ड को फिलअप कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम देकर और पासवर्ड देकर फिलअप कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा यूज़र नेम और इसके बाद मैं यहाँ पर नीचे चले जाता हूँ और यहाँ पर अपना पासवर्ड फिलअप कर लेता हूँ। और यहाँ पर मेरा ये कंप्लीट हो चुका है, मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ और यहाँ पर ये सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ पर 3 लाइन पे क्लिक कर लेता हूँ। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपने अकाउंट पर आ चुका हूँ डैशबोर्ड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे 00 अर्निंग है, क्योंकि मैं अभी इसे क्रिएट किया हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर लिंक को शॉर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर किसी भी एक लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर दूसरे टैब को ओपन किया और इससे कॉपी कर लेता हूँ। इसे कॉपी करने के बाद ये रहा, मैं पहले कॉपी करता हूँ। अब मेरा यहाँ पर कॉपी हो चुका है, मैं फिर से अपने डैशबोर्ड में चले आता हूँ। ये रहा, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं आप लिंक शॉर्टनर का ऑप्शन शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर पेस्ट किया और इसके बाद नीचे में लिंक शॉर्ट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ये आपको कुछ सेकेंड वेट करना होगा, इसके बाद ये आपको एक कोड जनरेट करके दे देगा और इसे आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और इसे कॉपी करने के बाद आप इसे कहीं शेयर कर सकते हैं। तो आप चाहे तो फेसबुक में भी कर सकते हैं और या व्हाट्सएप में भी। तो मैं यहाँ पर अपने व्हाट्सएप में शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा व्हाट्सएप, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और ये ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पर किसी भी ग्रुप में इसे शेयर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस लिंक को कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसे सेंड कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स, इस पर जब भी कोई क्लिक करेगा तो उसका मुझे कुछ अर्निंग शो होगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर वर्क करना है। फ्रेंड्स, आप जितने भी लिंक को यहाँ पर शॉर्ट करेंगे आपको डैशबोर्ड में वो सभी मिल जाएंगे, किस पे कितने क्लिक हुए हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप अपना पे आउट पेटीएम और पेपल अकाउंट में ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से Clify.net में आप किस तरह से अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान प्रोसेस था। तो मैंने आपको आज सिर्फ बताया कि इसमें अकाउंट कैसे बनाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका
पेमेंट विड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।